वेलकम टू विजुअल प्रोग्रामिंग लास्ट लेक्चर में हमने जेमल और प्रोसीजरल कोड जो सी सीशाप में लिखा था उसे विजुअल स्टूडियो के एक प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करके चलाया हमने देखा एक्स एक्सकॉलन क्लास से दो पार्शियल क्लासेस बना के किस तरीके से हम आधा काम डिकलेटिव और आधा काम सी शीशाप में कर सकते हैं उसके बाद हमने कुछ डब्ल्यू विंडोज प्रजेंटेशन फाउंडेशन उसके कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ डिस्कस किए उसकी बहुत डीप हैरारकी है हमने डिस्कस किया बहुत सारी क्लासेस हैं लेकिन कुछ फंडामेंटल क्लासेस हैं हमने उसकी 12 फंडामेंटल क्लासेस डिस्कस कि जिससे हमें किसी भी क्लास को अगर हम डिस्कस कर रहे होंगे उसकी डीप हैरारकी में अगर हम उसका क्लोजेस्ट पेरेंट ढूंढ लेंगे इन 12 में से तो हमें उस क्लास के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा उसके बाद हमने इन ट्वेल्व uh, कुछ सेपरेटली डिस्कस किया और उसके बाद हमने लॉजिकल और विजुअल ट्रीज़ की डिस्कशन की लॉजिकल और विजुअल ट्रीज़ क्या थे आपके पास जेमल में फाइल में जो नोट्स बनते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो ट्री बनता है यानी हर जैमल नोट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ट्री में एक नोट बना दें तो उस ट्री को लॉजिकल ट्री कहते हैं और अगर जो उस लॉजिकल ट्री की स्क्रीन पर रेंडरिंग होती है उस वक्त उस रेंडरिंग में मज़ीद डिटेल एड होती है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल स्टाइलिंग थीम्स उस सब को मिला के जो ट्री बनता है वो विजुअल ट्री है और ये लॉजिकल ट्री की एक्सटेंशन भी है लेकिन लॉजिकल ट्री में से कुछ चीज़ें निकल भी सकती हैं जो विजुअल से डिराइव्ड ना हो थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए इन 12 क्लासेस को दोबारा देखते हैं ये हम 12 क्लासेस देख रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम देखी थी और इनको हम दोबारा गो थ्रू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी अगली सारी डिस्कशन इन क्लासेस पर डिपेंड करती है डिस्पैचर ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एज्यूम करता है उसने एक ही थ्रेड पर चलना है और इसके अंदर एक मैसेज लूप है और मैसेज लूप या इवेंट लूप की हमने बात की थी हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज सपोर्ट करता है और डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज की डिस्कशन हम आज करने लगे हैं फ्रीजेबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जिसकी स्टेट में को फ्रीज कर सकते हैं उसमें एक फ्रीज का फंक्शन है जिस के बाद वो थ्रेड सेफ हो जाता है उसे डिफरेंट थ्रेड्स में शेयर कर सकते हैं फिर विजुअल की जो पूरी हरारकी है वो 2D रिप्रेजेंटेशन और विजुअल 3D की थ्री क्लासेस हैं ये एक्चुअल क्लासेस हैं जो स्क्रीन पे रेंडर होती हैं और कंटेंट की हरारकी हमारी नॉन विजुअल एलिमेंट्स की हरारकी है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होते बट उनमें डेटा बाइंडिंग और डब्ल्यू के अदर फीचर्स पोर्टेड हैं अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अभी तक हमने डॉट नेट प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ हम ये कह सकते हैं डॉट नेट प्रॉपर्टीज से के ऊपर कुछ ऐड ऑन भी करती हैं और ये भी कह सकते हैं उससे स्लाइटली डिफरेंट भी हैं लेकिन ये कोई लैंग्वेज फीचर नहीं है ये सी शार्प का फीचर नहीं है लैंग्वेज के अंदर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ एक सिंपल कोड में इंप्लीमेंटेड एक फीचर है ये डब्ल्यू ने इम्प्लीमेंट किया है और एट फर्स्ट ये लगता है ये चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है बट जैसे जैसे हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे हमें ये क्लियर होगा कि ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है क्या हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमने डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट करना है और डिज़ाइन में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं जो जैमल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की है इसके अलावा अगर हमने कुछ करना है तो हमें इम्प्लीमेंटेशन में करना है इसका मतलब यह है कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ डिजाइन के लिए हमें चाहिए कि हमारे एलिमेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सपोज करते हों और उन प्रॉपर्टीज को सेट करने का एक रिच मैकेनिज्म हो मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर हम एच डी एम एल में एक वेब पेज बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि उस वेब पेज का फॉर्ट चेंज हो जाए तो हम उस वेब पेज के जो स्टार्टिंग एलिमेंट है अगर आपको एसटीमल नहीं भी आती तो भी आपको यह बात समझ आ जाएगी कि उसके स्टार्टिंग एलिमेंट वो भी XML -E की तरह एक्सएमएल होता है उसके रूट एलिमेंट पे अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि इसका फॉन्ट ये है से हम उसे टाइम्स न्यू रोमन या कोई फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो पूरे वेब पेज में हर चीज का फॉन्ट चेंज हो जाएगा अब इसको जरा मैप करें कि अगर इसी तरह से आपके पास एक यूजर इंटरफेस है और यूजर इंटरफेस में आप चाहते हैं आपकी सारी चीजों का फ़ॉन्ट चेंज हो जाए लेकिन आपका हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक डब्ल्यू की क्लास है आपने एक button button एक बटन बटन बनाया, के की क्लास है आपने एक लिस्ट बॉक्स बनाया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्लास है इन सब के अंदर अगर हम रिच डिजाइन के लिए प्रॉपर्टीज एक्सपोज कर दें फोट की तो फॉन्ट की अगर आप डॉट नेट प्रॉपर्टी के बारे में सोचें तो आपको हर एलिमेंट की फॉन्ट प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी डॉट नेट में यह तो नहीं होता कि आप किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेट करें और उसके अंदर किसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और सब की प्रॉपर्टीज भी सेट हो जाएं ऐसे तो नहीं होता लेकिन ऐसे आप कर सकते हैं अगर आप थ्योरेटिकली सोचें कि आप गेटर्स और सेटर्स अगर खुद इंप्लीमेंट करें तो आप यह कर सकते हैं कि उसके सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करें और उन सारे चाइल्ड एलिमेंट्स की वही प्रॉपर्टी भी सेट कर दें फिर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज एक्सपोज करना चाहें जो कि बहुत गुड है डेक्लेटिव प्रोग्रामिंग के लिए ताकि आप वहाँ पर फोट की डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर कॉन्टेंट क्या आना है जो भी पॉसिबल कस्टमाइजेशन आप सोच सकते हैं अगर बटन का कंट्रोल वो सब कुछ एक्सपोज कर दे तो आपके ऑब्जेक्ट का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप कहें कि आप आपने एक वेब पेज बनाना है और आप इसी तरह जिस तरह मैं कह रहा हूं फॉन्ट चेंज करने लगे और फॉन्ट आप रूट एलिमेंट पे चेंज करें बट बाकी हर एलिमेंट के साथ फॉन्ट इज इक्वल टू और ब्लैंक कुछ ना कुछ लिखा हो ऐसे ही है क्योंकि हम ये कह रहे हैं हमारे यूजर इंटरफेस पे जो भी चीज़ आ रही है जो भी एलिमेंट आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉन्ट ने मेमोरी में, में कुछ जगह लेनी है जितना भी फॉन्ट का ऑब्जेक्ट लेता है टेन बाइट्स ट्वेंटी बाइट्स तो आपके यूजर इंटरफेस मेमोरी हैवी हो जाएगा लोड होने में टाइम लेगा रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी तो ये डिज़ायर्ड नहीं है तो आपके पास दो कन्फ्लिक्ट गोल्स आ गए आप चाहते हैं आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज हों ताकि आप डेक्लेटिव मार्कअप में बेहतर तरीके से कस्टमाइज कर सकें आप चाहते हैं आपके पास कम प्रॉपर्टीज हो ताकि आपके ऑब्जेक्ट्स हैवी ना हो और मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होंगे लेकिन पोटेंशियल लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है फिर इसमें एक और कम्प्लिकेशन है एक और कम्प्लिकेशन ये है या यूं कह लें कि एक फीचर जो हम चाहते हैं यूजर इंटरफेसेस से हमने स्टाइल्स और थीम्स की बात की थी हमने ये बात की थी कि डब्ल्यू पी एफ ये चाहता है कि एक डिज़ाइनर एक नई थीम बनाए और उसको इस यूजर इंटरफेस पे अप्लाई करना बहुत इजी हो मे बी हम यूजर को अलाउ कर दें कि वो डिफरेंट थीम्स चूज कर सके जैसे बाज एप्लीकेशन अलाउ करती हैं कि हम उसकी थीम चेंज कर सकें या इवन ऑपरेटिंग सिस्टम की थीम चेंज हो तो हमारी एप्लीकेशन साथ ही रीस्टाइल हो जाए तो इसका मतलब यह है कि अब हम एटलीस्ट दो डिफरेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि इधर थीम कुछ प्रॉपर्टीज सेट करें या हम लोकली अगर चाहते हैं कोई चीज रेड हो या किसी चीज का फ़ॉन्ट डिफरेंट हो तो हम उसकी प्रॉपर्टी सेट करें तो हमें दो तीन अभी तक रीजन्स देख चुके हैं जिस वजह से हमारी डॉट नेट की प्रॉपर्टीज जिस तरह से नॉर्मली इम्प्लीमेंट होती हैं वो सफिशेंट नहीं एक स्पेस कंजम्पन दूसरे जिसे मैं कह सकता हूँ प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेंस के आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू चिल्ड्रेन के पास चली जाए जो कि हमने बात की गेटर सेटर्स में इम्प्लीमेंट हो सकता है और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं तभी तो डब्ल्यू की एक लाइब्रेरी है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए और तीसरी चीज़ सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोवाइडर्स है यानी अभी जैसे हमने बात की दो प्रोवाइडर्स की कि एक थीम हो और एक हम लोकली किसी वैल्यू को ओवर करना चाहें अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम चाहें तो क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट डॉट नेट की प्रॉपर्टीज में अगर हम कोई वैल्यू सेट करें तो वो किसी एक ही जगह से सेट कर रहे होंगे या सारी वैल्यूज़ एक ही जगह से आ रही होंगी ये नहीं होता कि हम कुछ वैल्यूज़ पहले सेट कर दें और कोई और प्रोवाइडर कुछ वैल्यूज सेट कर दें कोई थर्ड प्रोवाइडर कोई और वैल्यूज सेट कर दे तो ये सारे फीचर्स डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ में एग्जिस्ट करते हैं वो स्पेस नहीं कंज्यूम करती उनको डिफरेंट प्रोवाइडर सेट कर सकते हैं और वो फर्दर हमें चेंज नोटिफिकेशन देती हैं यानी हम किसी प्रॉपर्टी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं कि कब वो चेंज हो अब आप इसे मैप करेंगे कि डॉट नेट प्रॉपर्टी में भी आप गेटर्स और सेटर्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन डॉट नेट प्रॉपर्टी के गेटर्स और सेटर्स अब हम यूज़ करने के बजाय हम ये चाह रहे हैं कि हम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ में भी जब कोई वैल्यू चेंज हो बेसिकली उसका सेटर इनवोक हो और वैल्यू चेंज हो रही हो तो हम एक चेंज नोटिफिकेसन आ जाए और वह चेंज नोटिफिकेसन पर हम रिएक्ट कर सकते हैं इनकी जो बहुत डीप डीप दी, डाउन डिटेल्स हैं वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट होती हैं जब आप कोई कस्टम कंट्रोल देख रहे हैं लेकिन ये पता होना कि ये क्या हैं और यूज़ कैसे करनी है ये एक डब्ल्यू में बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है यानी डब्ल्यू के एक लर्निंग ब्लॉक्स में से जिस तरह लॉजिकल और विजुअल ट्रीज़ और वो कुछ बेसिक क्लासेज जो हमने डिस्कस किए हैं ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसी तरह से तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम एक डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है और उससे समझेंगे कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं लेकिन हमारा पर्पज इन्हें इम्प्लीमेंट करना नहीं ये देखना है कि इन्हें यूज़ कैसे करते हैं और ये हैं क्या तो ये देखते हैं हम एक प्रॉपर्टी बटन की इस प्रॉपर्टी में आप देखें कि हमने बटन के कंस्ट्रक्टर में ये प्रॉपर्टी रजिस्टर की है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी डॉट रजिस्टर से ये डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी का स्टैटिक फंक्शन है और इसके थ्रू हम नई डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज रजिस्टर कर सकते हैं हमने उस प्रॉपर्टी का नाम दिया इस डिफॉल्ट टाइप ऑफ बूल यानी ये वो आपको याद होगा टाइप ऑफ ऑपरेटर हमने रिफ्लेक्शन में डिस्कस किया था किसी भी टाइप के यानी हमें एक टाइप क्लास दे देगा जो बूल को रिप्रेजेंट करती है वो हम पास कर देंगे टाइप ऑफ बटन बटन की टाइप ये आर्गूमेंट क्या बता रहा है ये प्रॉपर्टी किस क्लास के लिए इंटेंडेड है तो ये इस डिफॉल्ट की जो हम प्रॉपर्टी सोच रहे हैं ये हम बटन क्लास में ऐड करना चाहते हैं उसके बाद हमने इसमें कुछ न्यू फ्रेमवर्क प्रॉपर्टी मेटाडेटा भी दिया है मेटाडेटा क्या होता है ये किसी प्रॉपर्टी के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और हम देखेंगे हम डिफरेंट तरह का मेटाडेटा यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी के साथ तो यहाँ पे हम उसे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं फॉल्स की कि ये प्रॉपर्टी को अगर कोई और प्रोवाइडर सेट ना करें अभी हमने प्रोवाइडर्स की बात करनी है बट हम इतनी बात कर चुके हैं कि डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज मल्टीपल प्रोवाइडर्स सपोर्ट करती हैं तो अगर कोई प्रोवाइडर भी वैल्यू ना दे रहा हो तो हमने क्या वैल्यू देनी है फॉल्स फिर हमने न्यू प्रॉपर्टी चेंज कॉल बैक एक दिया है ऑन इस डिफॉल्ट चेंज का यानि हमने एक डेलीगेट पास किया है और ये क्या करेगा ये एक चेंज नोटिफिकेसन रजिस्टर कर रहा है कि जब ये प्रॉपर्टी चेंज हो तो हमारा ये मैथड कॉल हो जाए उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी रैपर लिखा है प्रॉपर्टी रैपर एक टोटली totally ऑप्शनल चीज़ है लेकिन प्रॉपर्टी रैपर के मल्टीपल फ़ायदे हैं जिसके अभी हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में हमने सेटर में एक सेट वैल्यू फंक्शन कॉल किया है सेट वैल्यू का फंक्शन डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट से आता है आपको याद होगा मैंने कहा था जो भी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी सपोर्ट करना चाहता है वो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट से डिराइव्ड होना चाहिए डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट देखा था हमने उन 12 में देखा था, जो हम से है, तो यह डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है और कैसे सपोर्ट करता है यूजिंग ये सेट वैल्यू और गेट वैल्यू फंक्शन तो सेट वैल्यू के थ्रू हमने बटन डॉट इस डिफॉल्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर दी ये जो वैल्यू सेट हुई बटन डॉट इज डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हमने ऊपर बताया था बटन की हम इस डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहे हैं इस पॉइंट किया गेट वैल्यू अगेंट वैल्यू काउंटर पार्ट है गेट वैल्यू और गेट वैल्यू क्या करना है बटन डॉट इज डिफॉल्ट प्रॉपर्टी और यह हमें पता है भूल है तो हम इसे कास्ट करके रिटर्न कर देंगे उसके बाद हमने ये चेंज नोटिफिकेशन वाला फंक्शन लिखा है ऑन इज डिफॉल्ट चेंज और इसमें हमने इसके आर्गूमेंट्स प्रॉपर्टी चेंजड इवेंट आर्गूमेंट्स हैं और वो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट है जिस पे प्रॉपर्टी चेंज हुई है तो ये हुआ क्या है इस सारे में हमने डॉट नेट अगर आप देखें जो क्लास है इसके अंदर कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस डिफॉल्ट इस को स्टोर करे यानी हमने रजिस्टर कॉल बैक एक स्टैटिक फंक्शन कॉल किया है हमने डॉट नेट प्रॉपर्टी रेपर भी लिखा है जिसमें गेट वैल्यू सेट वैल्यू कॉल किए हैं लेकिन चूंकि ये स्रैपर में हमने गेट और सेट को इंप्लीमेंट किया है ये कोई ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है इसका बैकिंग स्टोर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये प्रॉपर्टी स्टोर कहां हो रही है ये इस तरह से स्टोर हो रही है कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट ने एक सेंट्रल टेबल बनाया हुआ है उस टेबल में उसने एड कर लिया कि बटन के अंदर इस डिफॉल्ट नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है अब अगर आप किसी भी वक्त किसी बटन के किसी कंक्रीट इंस्टेंस की इस डिफॉल्ट प्रॉपर्टी गेट करेंगे तो वो अपने पास लिस्ट में आके देखेगा कि क्या इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कोई इस डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जिसकी कोई वैल्यू असाइंड है अगर कोई वैल्यू नहीं असाइंड तो उसने ये देखना है कि ये जो बटन के साथ इस डिफॉल्ट रजिस्टर हुई थी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है और उसने फॉल्स रिटर्न कर देना है तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर मैं कोई डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी सेट वैल्यू से सेट नहीं करता सिर्फ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज करता हूं तो मेमोरी में कोई जगह वेस्ट नहीं हो रही सिवाय उस एक बार जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी है जो पर क्लास या पर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी एक बार पड़ी है यानी बटन की इस डिफॉल्ट प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू एक बार पड़ी है उसके बाद मैं चाहे हंड्रेड बटन्स बना लूँ लेकिन अगर मैं किसी भी बटन की वैल्यू सेट कर दूंगा सिर्फ उस पॉइंट पे उसकी ये वैल्यू स्टोर होगी इसका हमें बहुत ज्यादा स्पेस बेनिफिट हुआ कि अब हम बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज एक्सपोज कर सकते हैं लेकिन हमें उन प्रॉपर्टीज का बैकिंग स्टोर नहीं बनाना वो प्रॉपर्टीज पर इंस्टेंस मेमोरी नहीं ले रही जो हमारा ये गेट वैल्यू सेट वैल्यू है इनमें एक लिमिटेशन है कि यह जेनरिक्स नहीं सपोर्ट करते जो कि एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए हम चूँकि खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हम सिर्फ डब्ल्यू पी एफ़ की डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें इतनी लिमिटेशन फील नहीं होगी बट बेसिकली डब्ल्यू पी एफ में ये फीचर पहले आया था और सी शीशा में जेनरिक्स की सपोर्ट बाद में आई थी इस वजह से डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज इसे सपोर्ट नहीं करती तो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेसिकली सिर्फ एक लिस्ट एक टेबल ऑफ एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हम वैल्यूज रजिस्टर कर देते हैं कि और उसमें किस तरह से रजिस्टर होती हैं उसमें एक टाइप बताते हैं वैल्यू की टाइप क्या हो एक क्लास बताते हैं कि किस क्लास के साथ हम रजिस्टर कर रहे हैं और उसका एक नाम देते हैं और पॉसिबली उसका मेटा डाटा देते हैं और मेटा डाटा में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है उसकी चेंज नोटिफिकेशन हो सकती है और जिस टाइम पे हम इस वैल्यू को गेट करते हैं तो ये टेबल में लुकअप होती है लुकअप फॉर द पर्टिकुलर इंस्टेंस जिसकी हम गेट वैल्यू कर रहे हैं इंस्टेंस नहीं मिलता तो क्या होता है वो अभी हम आस्ते आस्ते डिस्कस करेंगे बट एक फॉल बैक हमें पता है कि अगर उसे कहीं से वैल्यू ना मिले तो उसने ये जो मेटा डाटा में रजिस्टर्ड डिफॉल्ट वैल्यू है ये हमें दे देनी है तो ये जो डॉट नेट का हमने प्रॉपर्टी रैपर लिखा था जिसमें हमने स्टैंडर्ड डॉट नेट की प्रॉपर्टी में से गेट वैल्यू सेट वैल्यू कॉल किया इसकी वजह से हम एक डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी को एक नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस कर सकते हैं यानी ये भी हो सकता है हम रेपर ना लिखें और सीधा गेट वैल्यू सेट वैल्यू कॉल करें आफ्टर ऑल वो प्रॉपर्टी इस क्लास के अंदर तो इन रियलिटी है ही नहीं वो तो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के जो डिपेंडेंसी जहाँ पे हमने रजिस्टर की है वहाँ पे वो सेंट्रल टेबल में पड़ी है लेकिन इससे हमारा कोड नीट हो जाता है और इससे हम उस प्रॉपर्टी को जैमल के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं आपको याद होगा जैमल के अंदर से एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी एलिमेंट्स क्या करते थे प्रॉपर्टी सेट करते थे और प्रॉपर्टीज़ हमने डॉट नेट की सिर्फ सेट कर सकते हैं तो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी अगर हमने बनाई है उसका प्रॉपर्टी रैपर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू जेमल ने और आपके प्रोसीजर कोड ने दोनों ने उसे नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस करना है और यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो गेट वैल्यू सेट वैल्यू आपने कॉल किया है प्रॉपर्टी रैपर में से इसके अलावा आप प्रॉपर्टी रैपर में कुछ और ना करें क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपाइल टाइम पे तो कंपाइलर जैमल का जिस वक्त पास करता है उस टाइम पे वो चेक करेगा कि ये प्रॉपर्टी रैपर को लेकिन रन टाइम पे वो डायरेक्टली गेट वैल्यू सेट वैल्यू कॉल कर सकता है या कॉल करता है जबकि अगर आप प्रोसीजरल कोड से प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वो रन टाइम पे भी प्रॉपर्टी इन्वोक हो रही होगी तो अगर आप कोई काम प्रॉपर्टी रेपर में कर देंगे तो वो सिर्फ प्रोसीजल कोड से इन्वोक होने पर होगा और जेमल से इन्वोक होने पर नहीं होगा जिससे डिस्पेरिटी आ जाएगी और ये डिजायर्ड नहीं है तो इसलिए प्रॉपर्टी रेपर का ये फिक्स कैलेटन होगा कि हम इसमें से गेट वैल्यू सेट वैल्यू कॉल करें लेकिन अगेन हम प्रॉपर्टी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी लिखने नहीं जा रहे हैं। हम इसे समझ रहे हैं कि ये एक्चुअली इंप्लीमेंटेड कैसे हैं इंटरनली स्टोर्ड कैसे हैं तो अभी तक हमने ये देखा कि इंटरनली सेंट्रल टेबल में स्टोर्ड हैं अगर हम किसी इंस्टेंस को सेट वैल्यू से वैल्यू दे दें तो उसके पास एक वैल्यू आ जाती है अगर वहां पे वैल्यू से नहीं मिलती तो वो कुछ और प्रोवाइडर्स ट्राई करता है जिनकी अभी हम बात करेंगे और अगर उसे कहीं से भी नहीं मिलती तो वो जहां पे ये प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है इसके मेटर डाटा से डिफॉल्ट वैल्यू दे, दे देगा अगर वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है मेटर डाटा क्या है मेटर डाटा रजिस्ट्रेशन के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है जिसमें उसकी चेंज नोटिफिकेशन हो सकती है जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में रजिस्टर की थी और हम ये चेंज नोटिफिकेशन की अब एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं चेंज नोटिफिकेशन डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी का एक बहुत मेन फीचर है कि कोई प्रॉपर्टी चेंज हो तो हमने कैसे एक्ट करना है इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं इस एग्जाम्पल में हमने दो बटन के टैक्स बनाए यानी हमने दो बटन के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसके माउस एंटर और माउस लीव दोनों इवेंट्स को हमने इवेंट हैंडलर्स के आगे नाम दिए हैं जिनको हम कोड बिहाइंड फाइल जो हमारी सी शार्प में पार्शियल क्लास फाइल है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद मिन वेड्स और मार्जिन हमने दिया है जो हम लेटर डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो कंटेंट में हेल्प दिया है या ओके दिया है या आपको अब तक पता होगा कि उसकी डिफॉल्ट कंटेंट प्रॉपर्टी जो कि उसका बटन का लेबल है उस पर सेट हो जाएगा अब इन क्लासेस में हम कोड क्या लिखेंगे हम इस क्लास में कोड लिख रहे हैं हम माउस एंटर के अंदर बटन बी इज इक्वल टू सेंडर एज बटन ये एज आपको पता है कास्ट करने के लिए यूज़ होता है अगर ये नॉन नल है ये इसलिए नॉन नल हो सकता है कि अगर हम यही बटन अंडर स्कोर माउस सेंटर किसी नॉन बटन पे हुक कर दें जो कि इस एग्जांपल में हम नहीं कर रहे लेकिन ये एक सैनिटी चेक है जो ये जब भी हम एज बटन करके कास्ट करते हैं किसी चीज़ को तो वो फोर्स्ड कास्ट नहीं होती वो ये होती है कि अगर वो इन रियलिटी बटन या बटन से डिराइव्ड ऑब्जेक्ट है तो कास्ट हो अदरवाइज वो नल हो जाए तो ये नल चेक ये चेक कर रहा है क्या वो रियली एक बटन था उसके बाद हमने बी डॉट फोर ग्राउंड ब्रशे पे सेट कर दिया तो अब होगा क्या कि अगर माउस हमारा होवर होते हुए इस बटन के ऊपर आएगा क्लिक नहीं होवर होते हुए एंटर करेगा उसके एरिया में तो साथ ही इसका फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और अब ये इससे माउस लीव करेगा तो ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा तो इसलिए हमें इसको लीव करने पे रीसेट करना है वो कैसे करेंगे वो लीव के अंदर हम उसी तरह बी को कास्ट किया और बी डॉट फोरग्राउंड टू ब्रशेज डॉट ब्लैक सेट कर दिया यहाँ पे ये क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर वो हम ब्रश उस उस पॉइंट पे माउस उस बटन से निकलता है और उस टाइम पे वो ब्लैक नहीं होना यानी लेट से किसी थीम की वजह से या किसी और वजह से वो नॉन ब्लैक कलर पे सेट था तो हमें यहाँ पे किसी तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका कलर क्या होना चाहिए लेट से हम यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन गेट भी कर लेते हैं लेट्स से थीम में वो कलर रेड है तो हम लीव करते हुए रेड सेट कर देते हैं लेकिन अब एक और मसला है अब अगर इस पॉइंट पे सिस्टम की थीम चेंज हो जाए और अब रेड के बजाय ग्रीन हो जाए तो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ में पर इंस्टेंस वैल्यूज थी और उसके बाद फॉल बैक मकैनिज़म्स थे यानी हमने अभी डिस्कस किया था कि एक डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी की या तो एजाइंट वैल्यू हो सकती है और अगर उस इंस्टेंस कीट वैल्यू ना हो तो उसका एक पूरा फॉल बैक मकैनिज़म है कि वो वैल्यू कहाँ से आएगी और लास्ट में वो नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी जो हमने उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हुए दी थी तो इस पॉइंट पे बेसिकली हम ये चाहते हैं कि वो जो हमने पर इंस्टेंस एंट्री डाली थी वो एंट्री रिमूव हो जाए बजाय इसके कि हम वो एंट्री डली रहे और वह कलर किसी तरह से ढूंढने के फॉल बैक में क्या कलर था तो ये चीज़ें ये हम अभी देखेंगे लेकिन इसका एक ईजियर तरीका भी है कि हम इस काम को जैमल के अंदर करें और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं यहाँ पे हमने एक ट्रिगर का टैग यूज़ किया है ट्रिगर का टैग हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इसे भी डिस्कस करते हैं तो ट्रिगर के टैग में हमने प्रॉपर्टी दी है इज माउस ओवर की और उसकी वैल्यू दी है ट्रू और इसके बाद हमने एक सेटर का टैग यूज़ किया है और सेटर को में हमने कहा है प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फोर ग्राउंड के फोरग्राउंड प्रॉपर्टी को वैल्यू इज इक्वल टू ब्लू ब्लू पे सेट कर दें यहाँ पे हमें इसको रिवर्ट करने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ये रिवर्ट ऑटोमेटिकली कर जाएगा ट्रिगर या एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है अगर ट्रिगर एक्टिव होता है तो उसके सेटर की वैल्यू सेट होती है वो इनएक्टिव होते हैं तो वो जो अभी मैं बात कर रहा था उस डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी की एंट्री ही रिमूव हो जाती है तो जो भी फॉल बैक मैकेनिज़म पे कलर आना है वो कलर आ जाएगा लेकिन ट्रिगर के साथ ये जो अभी हमने लिखा है इसमें तरीका तो बड़ा सिंपल है इसे डायरेक्टली बटन पे अप्लाई नहीं कर सकते अप्लाई कैसे कर सकते एक स्टाइल टैग के साथ जिसको अभी मैं दिखाऊंगा लेकिन अभी हम इसे यूज कर लेंगे जस्ट एज यानी हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ट्रिगर के लिए ये लिखना होता है और इसे समझेंगे हम लेटर जब हम स्टाइल्स डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर यह हमने स्टाइल टारगेट इज इक्वल टू एक्स टाइप बटन और ये स्टाइल डॉट ट्रिगर लिखा है स्टाइल के अंदर ट्रिगर एड किया है और ये स्टाइल हमने बटन डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी एलिमेंट से सेट किया है और इसके अंदर हमने जो ट्रिगर अभी डिस्कस किया है वो लिख दिया और टैक्स क्लोज कर दिए तो ये हमारा बटन के साथ ट्रिगर अटैच हो जाएगा तो इस तरह से इवेंट ट्रिगर के अलावा डेटा ट्रिगर्स और इवेंट ट्रिगर्स और प्रॉपर्टी ट्रिगर्स ये मल्टीपल टाइप के ट्रिगर्स हैं जिनके थ्रू हम सॉर्ट ऑफ थोड़ा प्रोसीजरल काम डेक्लेटिवली कर सकते हैं हमारा फोकस था डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट करना ये डिज़ाइन में कुछ अब ऐसे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं जो थोड़े से प्रोसीजरल हैं लेकिन स्टिल डेक्लेटिवली स्पेसिफाई हो सकते हैं मसलन मसलन ये डिक्लेयर करना कि जब माउस इस बटन के ऊपर होवर करे तो इसका कलर ब्लू हो अगर मैं इसे प्रोसीजरली सोचूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे डेक्लेटिवली सिर्फ दो ट्रिगर हैं माउस एंटरिंग और लीविंग और एंटरिंग और लीविंग में ये कोड खुद लिखूं। लेकिन ये टोटली एक डिज़ाइन डिसीजन है कि उसके ऊपर होवर करने से कलर चेंज हो और डब्ल्यू और जैमल अपने ट्रेडिशनल फोकस के साथ के डिज़ाइन को जैमल में सेपरेट करके ले आए ये अलाव करती है कि इस चीज़ को हम डेक्लेटिवली स्पेसिफाई कर सकें कि गिवन अ सेट ऑफ कंडीशन यानी ट्रिगर की कंडीशन के साथ हम कुछ वैल्यू सेट कर सकें और वो सेटिंग्स क्या है सेटिंग्स डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी एंट्रीज ये सेंट्रल डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी के टेबल में ऐड हो गई और जैसे ही वो ट्रिगर इनएक्टिव हुआ वो एंट्रीज रिमूव हो गई यहां पे आप देखें ये डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज का फायदा कि वह एंट्री रिमूव होने से उनकी डिफॉल्ट वैल्यू पे ऑटोमेटिकली फॉल बैक हो गई तो यह एक बेनिफिट हमने देखा प्रॉपर्टी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज का चेंज नोटिफिकेशंस। अब हम अभी हमने दो और बेनिफिट्स देखने हैं एक प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेंस और एक सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोवाइडर्स तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस की हमने एग्जांपल देख देखी थी कि डिस्कस की है कि जैसे एच में या वेब पेज में आप एक रूट एलिमेंट को स्टाइल कर दें तो उसके सारे सब एलिमेंट्स भी स्टाइल हो जाए तो यहां पे इनहेरिटेंस किस चीज में हो रही है आपके लॉजिकल ट्री में या इन रियलिटी विजुअल ट्री में जो आपका ट्री ऑफ एलिमेंट्स है और ये आपकी जो सी शार्प की क्लास इनहेरिटेंस है उससे टोटली डिफरेंट चीज है यानी अगर आप क्लास देखें तो एक बटन किसी विंडो से तो नहीं डिराइव लेकिन वो विंडो के अंदर कंटेन्ड है और अगर आप कोड में देखेंगे तो वो विंडो के अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट्स की लिस्ट होगी उसके अंदर बटन होगा या मे बी उसके अंदर विंडो के अंदर पैनल हो और पैनल के अंदर बटन हो तो ये जो कंटेनमेंट की हरारकी है जिस कंटेनमेंट हरारकी में यूजर इंटरफेस एलिमेंट स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं इस हरारकी में या इस ट्री में अगर वैल्यूज ऊपर से नीचे ट्रेवर्स करें उसे हम प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेंस कहते हैं यानी अगर मेरे पास बटन में एक फॉन्ट की प्रॉपर्टी है और मेरे पास विंडो में भी एक फॉन्ट की प्रॉपर्टी है और मैं विंडो की फॉन्ट प्रॉपर्टी सेट करूं और बटन की ना सेट करूं तो विंडो की फॉन्ट प्रॉपर्टी जो मैंने सेट की है वो यूज हो बटन की डिफॉल्ट वैल्यू ना यूज हो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि होता कैसे है और इसे कोड में लिखते कैसे हैं लेकिन अभी ये इसका बेनिफिट डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये रहे हैं कि हम विंडो की या किसी पैनल की जिसमें एलिमेंट्स कंटेन्ड होते हैं उसकी कोई प्रॉपर्टी सेट करें और उस प्रॉपर्टी को सेट करने से उसके चिल्ड्रन की वही सेम नाम की प्रॉपर्टी सेट हो जाए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास बटन्स हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी है जो उनके पेरेंट में या जिस पेरेंट अब यहाँ पे कंटेनमेंट यूजर इंटरफेस के हिसाब से जो पेरेंट है पेरेंट एलिमेंट में वो प्रॉपर्टी ही नहीं इस प्रॉब्लम को हम लेटर एड्रेस करेंगे लेकिन अगर उसमें वो प्रॉपर्टी है और हम उसे सेट कर देते हैं तो उसके चिल्ड्रन वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेंगे अगर आपने एच में या सी स्टाइलिंग की हो जिस तरह स्टाइल शीट्स लिखते हैं तो वो इसी तरह से लिखते हैं कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पेरेंट एलिमेंट का स्टाइल इनहेरिट कर लेते हैं तो आपके लिए कोड लिखना या जो डेक्लेटिव मार्कअप है उसकी स्टाइलिंग इजी हो जाती है आपने सोचा ये सारे एलिमेंट्स इस एरिया में रेड हो जाएं बीच में से ये दो ब्लू करने हैं तो सिर्फ उन दो को ब्लू करना पड़े ये ना हो कि हर हरकी में हर एलिमेंट के साथ रेड लिखना पड़े तो ये तो है कि इसको यूज क्या है अब ये सोचें कि ये इंप्लीमेंट कैसे हो रही है यानी आपने एक सेंट्रल जगह पे प्रॉपर्टीज रजिस्टर की हुई है आपने अगर पर इंस्टेंस वैल्यू दी तो, तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि वो पर इंस्टेंस वैल्यू यूज हो रही है अगर आपने पर इंस्टेंस वैल्यू नहीं दी तो आपका जो भी आपको नहीं लेकिन उसके यूजर इंटरफेस में कंटेनमेंट के पेरेंट्स और यादों में आपको बताया था कि किसी भी क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं जिससे उसके विजुअल ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं उसके विज्युअल ट्री में

तो इस डिफॉल्ट नेम के साथ देखेगा कि इसके यूजर इंटरफेस पेरेंट्स जिन एलिमेंट्स ने स्क्रीन पे से कंटेन किया हुआ है क्या उनमें से इमीडिएट पेरेंट के पास इसकी वैल्यू है क्या उसके पेरेंट के पास इसकी वैल्यू है यहां तक कि हमारे पास रूट एलिमेंट आ जाएगा आपके जैमल में जो भी इंटरफेस का रूट एलिमेंट था वो आ गया तो आपको कहीं भी वैल्यू नहीं मिलेगी और उसके बाद थीम्स और स्टाइल्स को भी हमने डिस्कस नहीं किया एवेंचुअली उसने डिफॉल्ट वैल्यू जो उसके मेटा डेटा में पड़ी है वो ले लेनी है तो हमने दोनों चीजें डिस्कस कर ली इसका बेनिफिट क्या है और ये इंटरनली इम्प्लीमेंट कैसे होगी ताकि हमें क्लियर हो जाए ये एक्चुअली चल कैसे रहें अब हमें एक एग्जाम्पल में इसको देखते हैं अप्लाई करके इस एग्जाम्पल में हमने एक स्टैक पैनल बनाया उसके अंदर हमने हमने सबसे पहले एक विंडो बनाई है उसके अंदर हमने फोन साइज और फॉन्ट स्टाइल दे दिया है और उसका बैकग्राउंड दे दिया है उसके अंदर हमने स्टैक पैनल में लेबल बनाए हैं और बटन्स बनाए हैं बटन्स फर्दर हमने एक स्टैक पैनल में बनाए हैं तो इसे जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स पे इसका स्टाइलिंग इफेक्ट हो जाता है लेकिन अगर आप ये नोट करें कि इसका इफेक्ट स्टेटस बार पे नहीं हुआ यानी स्टेटस बार जो कि अगर आप कोड में देखें जो अभी जैमल कोड देखा है तो उसमें स्टेटस बार चिल्ड्रन है और उस पर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं सेट हुई हुई फिर भी उस पर फॉन्ट स्टाइलिंग का इफेक्ट नहीं हुआ तो इससे क्या पता चलता है इससे ये पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज हैं वो जरूरी नहीं कि इनहेरिट हो उससे भी हायर प्रॉपर्टी प्रायोरिटी सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं जो अभी हमने मल्टीपल प्रोवाइडर्स की बात करनी है हमने तीन बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं क्या तीन बेनिफिट थे स्पोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोवाइडर्स प्रॉपर्टी वैल्यू इहेरिटेंस और सबसे पहला बेनिफिट जो हमने डिस्कस किया वो चेंज नोटिफिकेशन का था तो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ आपकी इन्हीट हो रही हैं लेकिन आपके एलिमेंट्स ऑप्ट इन कर सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी इहेरिट ना हो या उसे कोई हायर प्रायोरिटी सोर्स जैसे कि स्टाइल्स और थीम्स हो सकती हैं वो उसे ओवर राइड कर दे तो स्टेटस बार के केस में या मेन्यू के केस में जब आप मेन्यू बार बनाते हैं ये एलिमेंट्स खुद से सिस्टम प्रॉपर्टीज लुकअप करते हैं कि इस वक्त जो आपके सिस्टम की थीम है उसमें स्टेटस बार कैसी है या उसमें मेन्यू बार कैसी है ताकि आपकी एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशन जैसी ही लगे तो अगर आप इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे ओवर नहीं कर सकते ओवर राइड करना है तो आपको खुद से प्रॉपर्टी में रिपीट करना पड़ेगा तो ऑल दो के इनहेरिट हो रही है वैल्यूज लेकिन कोई और हायर प्रोर्टी सोर्स उसे ओवर राइड कर सकता है इस वजह से स्टेटस बार पे इसका इफेक्ट नहीं हुआ थर्ड बेनिफिट है मल्टीपल प्रोवाइडर्स डब्ल्यू पी एफ में डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ के मल्टीपल प्रोवाइडर्स हो सकते हैं और इसका बड़ा पावरफुल मैकेज़म है कि वो किस तरीके से प्रोवाइडर्स इंडिपेंडेंटली वैल्यू सेट कर सकते हैं और इवेंचुअली वैल्यू किस तरह से सिलेक्ट होती है इसकी जो स्टेप बाई स्टेप पाइपलाइन है वो हम देखते हैं इस पाइपलाइन में आप देखें कि एक पहला स्टेप है डिटरमिन बेस वैल्यू का फिर हम उसे इवेल्यूट करते हैं फिर पॉसिबली हम उस पर एनिमेशन अप्लाई करते हैं और फिर एक कोर्जन और एक वैलिडेशन का स्टेप है तो ये डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ इन पर बड़े सिस्टमेटिकली इसके इस पाइपलाइन से गुजरती हैं और मल्टीपल प्रोवाइडर्स से इनकी वैल्यू डिसाइड होती है तो इसमें जो मल्टीपल प्रोवाइडर्स यूज़ होते हैं उनकी लिस्ट देखते हैं इसमें से हम सिर्फ कुछ का हमें पता है और कुछ को डिस्कस करेंगे बाकी हम लेटर डिस्कस करेंगे ये टेन प्रोवाइडर्स हैं इसमें से फर्स्ट प्रोवाइडर जो आपका हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो है आपकी लोकल वैल्यू लोकल वैल्यू से क्या मुराद है लोकल वैल्यू से मुराद है जो आपने प्रॉपर्टी या डायरेक्टली सेट की है जैमल में या प्रोसीजरल कोड में मसन जैमल के अंदर आपने एक टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा है तो वो एट्रीब्यूट उसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहा है ये एक्सप्लिसिट सेटिंग है इसे लोकल वैल्यू कहते हैं ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसके बाद कुछ टेम्पलेट्स और स्टाइल्स के ट्रिगर्स हैं जो सारे के सारे हम लेटर डिस्कस करेंगे लेकिन इन्हीं में से कुछ ट्रिगर्स की वजह से हमारी स्टेटस बार हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेड वैल्यू नहीं ले सकी थी लेकिन अगर स्टाइल्स और थीम्स कोई चेंज ना करें या कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट ना करें तो फिर नंबर नाइन पे प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेंस है जो कि हमने अभी डिस्कस की है तो ये मल्टीपल सोर्सेज में से एक सोर्स है कि अगर ये सारे सोर्सेज थीम्स और स्टाइल्स कंट्रीब्यूट ना करें वैल्यू तो फिर इनहेरिटेड वैल्यू जो उसके पेरेंट यूजर इंटरफेस एलिमेंट की में सेम नाम की प्रॉपर्टी है वो यूज हो जाएगी और अगर पेरेंट में सेम नाम की प्रॉपर्टी ही नहीं या कोई इनहेरिटेड वैल्यू नहीं है तो फिर क्या सेट होगा फिर डिफॉल्ट वैल्यू जो नंबर टेन पे लीस्ट प्रायोरिटी है जब सब फेल हो जाते तो ये वैल्यू सेट हो जाएगी जो मेटाडेटा में साथ रजिस्टर हुई थी यहां पे आप ये आपको मल्टीपल सोर्सेज कन्फ्यूजिंग लग सकते हैं लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पे डिबगिंग के लिए रियल कोड में नहीं डिबगिंग के लिए अगर आप ये देखना चाहें कि ये वैल्यू कहाँ से सेट हो रही है यानी आप एक डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी है और उसकी कोई वैल्यू रन टाइम पे साइन हो रही है और आप चेक करना चाहते हैं कि ये कहाँ से आई है इनहेरिटेड वैल्यू है या ये किसी थीम से आई है या लोकल सेट वैल्यू थी या डिफॉल्ट वैल्यू थी तो आप एक डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी हेल्पर डॉट गेट वैल्यू सोर्स कर सकते हैं तो डिबगिंग और लर्निंग के लिए यूजफुल है कि कोई प्रॉपर्टी सेट हुई है स्क्रीन पे आपने देखा है और आपको लग रहा है कि ये वो तो नहीं है जो मैंने सेट की थी लेट से लास्ट एग्जाम्पल में आप स्टेटस बार के बारे में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका इसकी थीम क्यों नहीं चेंज हो रही तो आप ये मेथड कॉल करके ये चेक कर सकते हैं कि यह वैल्यू कहाँ से सेट हुई है और आपको पता चल जाएगा कि इनहेरिटेंस से हायर प्रायोरिटी एक सोर्स था जिसकी वजह से यह वैल्यू सेट हो गई इसके बाद हमने एक थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि अगर हम माउस एंटर करने के बाद माउस लीव कर रहे हैं बटन होवरिंग की एग्जांपल में हमने एग्जांपल यूज़ की जिसमें हम बटन के ऊपर होवर करते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है और जब हमने प्रोसीजरल कोड में लिखा तो हमने उसमें यह प्रॉब्लम डिस्कस की कि जब माउस लीव करते हैं लीव करेगा एरिया को माउस लीव के इवेंट हैंडलर में हम उसका कलर ब्लैक नहीं सेट करना चाहते बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम लोकल वैल्यू रिमूव कर दें इस पॉइंट पे आपको क्लियर होना चाहिए कि वो इशू क्यों एग्जिस्ट करता है वो इशू इसलिए एग्जिस्ट करता है कि जो वन से टेन आपने लिस्ट देखी है इसमें लोकल वैल्यू हाइएस्ट प्रायोरिटी है अगर आपने उसे ब्लैक सेट कर दिया माउस लीव में तो फिर थीम्स इनहेरिटेंस कहीं से भी कोई वैल्यू आ जाए वो ब्लैक से चेंज नहीं होगा Let's say user theme change करता है, बाकी सारे बटन रेड हो जाते हैं कि जो हमने कंक्रीट अपने डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी हेल्पर के सेंट्रल टेबल में वैल्यू एड की है कि इस बटन की इस प्रॉपर्टी इस बटन के इस इंस्टेंस की इस, इस प्रॉपर्टी फोरग्राउंड प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लू हो चाह रहे वो एंट्री रिमूव हो जाए जब वो एंट्री रिमूव हो जाएगी तो आपने जो था, वो सोर्स खत्म कर दिया अब वो सोर्स वैल्यू ही नहीं दे रहा क्योंकि आपने पर इंस्टेंस वैल्यू रिमूव कर दी तो अब आपकी थीम या जहां से भी वैल्यू पहले आ रही थी वहीं से आती रहेगी इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं क्लियर वैल्यू का जिस तरह गेट वैल्यू है सेट वैल्यू है अब एक क्लियर वैल्यू है क्लियर वैल्यू में हम उस

और हमें बेनिफिट क्या हो रहा है स्पेस नहीं वेस्ट हो रही उनके मल्टीपल प्रोवाइडर्स हो सकते हैं ये जो हमने टेन प्रोवाइडर्स देखे हैं ये उसकी बेस वैल्यू डिटर्मिन कर रहे हैं और वो बेस वैल्यू डिटर्मिन करने के बाद अगर हम किसी पॉइंट पे उसे ओवर करनी है हमने लोकल वैल्यू दी हम उसे क्लियर करके रिमूव भी कर सकते हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है बेस वैल्यू का उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इवेल्यूएट का वैल्यूएट का स्टेप कहां पर आता है अगर आपने जो वैल्यू डिटर्मिन की है वो एक कंक्रीट वैल्यू नहीं है बल्कि एक एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट है यानी आपके जो सोर्स थे लोकल वैल्यू या डिफरेंट सोर्सेज किसी ने बजाय कंक्रीट वैल्यू के एक एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट दे दिया ये एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम जब डेटा बाइंडिंग डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे डेटा बाइंडिंग ब्रीफली हमने डिस्कस की थी कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम अपने एलिमेंट्स का डाटा लिंक कर दें यानी किसी टेबल से या किसी डेटा बेस से तो उस केसेस में हम हम ऐसे हो सकता है कि हम किसी को एक्सप्रेशन रिटर्न करें जिसमें एक्चुअली उस सोर्स को दोबारा पुल करना हो या उस सोर्स से दोबारा इंफॉमेशन लेनी हो तो वहां पर एक स्टेप आता है एवेल्युएट का तो करंटली ये स्टेप यूज नहीं हो रहा यानी अभी तक अगर हम कंक्रीट वैल्यू दे रहे हैं एवेल्युएट कुछ भी नहीं है वो जस्ट पास ऑन कर देगा वैल्यू थर्ड स्टेप है अप्लाई एनिमेशन अगेन एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप सोचें कि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को हम सेपरेट कर रहे हैं तो एनीमेशन लॉजिकली डिज़ाइन का पार्ट है लेकिन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ये चल नहीं सकता एनीमेशन में टाइमर चाहिए आपके हर स्टेप पे कोई चीज़ चेंज हो रही है लेकिन अगर आप ये सोचें कि एनीमेशन बेसिकली क्या है बेसिकली एनीमेशन एक टाइमर बेस्ड चेंज ऑफ वैल्यू है ट से आप अपने एक्स कोऑर्डिनेट किसी बटन का ओवर टाइम चेंज करना चाहते हैं तो बेसिकली आप यह कह रहे हैं कि मे बी हर हंड्रेड मिली सेकेंड के बाद मेरा एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वन कर दो एनिमेशन को एक डेक्लेटिवली देखने का तरीका है तो एक्चुअली एनिमेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे बात की बात है लेकिन हम अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं लेट से हमने कह दिया कि इस प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू 100 है लेकिन इसे स्लोली चेंज करके 200 करना है तो अब एक एनिमेशन का स्टेप अप्लाई होगा जो एनिमेशन का स्टेप डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू 130 हो या 135 हो या 140 हो तो एनिमेशन को प्रॉपर्टी वैल्यू सेटिंग में एक टाइम मिलता है जिस टाइम पे वो उसकी वैल्यू चेंज कर सकती हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है जिसके साथ एनिमेशन एसोसिएटेड है कि उसने कभी एकदम से मूव नहीं करना उसने स्लोली मूव करना है अब उस प्रॉपर्टी की करेंट वैल्यू हंड्रेड है और मैंने उसकी वैल्यू टू हंड्रेड सेट की है तो आपके पहले स्टेप और इवेल्युएट के बाद उसकी वैल्यू टू हंड्रेड हो जाएगी लेकिन जब आपका एनिमेशन स्टेप आएगा और वो देखेगा इस वक्त करंट एनिमेशन सेट है कि इसने स्लोली मूव होना है तो वो जो वैल्यू पास करेगा वो मे बी हंड्रेड एंड वन हो और फिर वो हंड्रेड मिली सेकेंड का टाइमर लगा के उसकी वैल्यू चेंज करता रहेगा जिस भी हम सिस्टम में एलिमेंट से पूछेंगे जहां से भी क्वेरी करेंगे हमें उसकी वैल्यू टू हंड्रेड मिलेगी लेकिन स्क्रीन पे उसकी वैल्यू स्लोली चेंज हो रही होगी तो इस तरीके से एनिमेशन को डब्ल्यू बड़ा क्लीनली डिजाइन और इम्पलीमेंटेशन में सेपरेट करता है नेक्स्ट स्टेप है दो स्टेप्स कोर्स और वेलीडेट के और ये बेसिकली दो कॉल बैक्स हैं जो हम रजिस्टर कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के साथ तो हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं और उस प्रॉपर्टी के मैटर डाटा में साथ दो फंक्शंस रजिस्टर कर देते हैं कोर्स का और वैलिडेट का कोर्स और वैलिडेट में फर्क यह है कि कोर्स प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर सकता है और वैलिडेट सिर्फ येस yes या नो कह सकता है तो वैलिडेट अगर फॉल्स रिटर्न कर दे हमें एक एक्सेप्शन आ जाएगी सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी हमने हंड्रेड से टू सेट की थी एनिमेशन स्टार्ट हुई थी उसने उसे हंड्रेड किया था सब कैंसल कुछ नहीं चेंज होगा और एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी जिसे मे बी जहां से प्रॉपर्टी सेट हुई है वहां पे मैं भी कैच किया हुआ हो कोर्स उसके अगेंस्ट ये कहेगा कि ये कहेगा कि ये वैल्यू आ रही है इधर उसे पास ऑन कर देगा या उसे मे भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दे तो अगर मैं चाह रहा हूं कि टेम्परेली कोई वैल्यू कोर्स करके उस बटन को एक पर्टिकुलर जगह ही शो करूं तो मैं उसे कोर्स कॉल बैक के अंदर चेंज कर सकता हूं ये दो सिंपल जिस तरीके से मैंने इवेंट जो चेंज नोटिफिकेशन इवेंट रजिस्टर किया था मेटर डाटा के अंदर उसी तरीके से मैं इसके कोर्स और वैलीडेट के इवेंट्स रजिस्टर कर सकता हूं उसके बाद जो WPF 4 है वो एक नई चीज ऐड करता है जो सेट करेंट वैल्यू जो किसी भी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास है गेट वैल्यू सेट वैल्यू क्लियर वैल्यू और इनिशियली रजिस्टर ये अभी तक हमने डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन देखे हैं रिलेटेड टू डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ गेट वैल्यू सेट वैल्यू हम डायरेक्ट यूज़ करने के बजाय प्रेफर करते हैं कि डॉट नेट प्रॉपर्टी रेपर से करें ताकि जैमल और जो हमारा प्रोसीजर कोड है वो से दोनों एक्सेस कर सकें और वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की तरह ही नजर आए कोड में यानी कोड में अगर हम किसी एलिमेंट की हाइट सेट कर रहे हैं तो हमें डॉट नेट प्रॉपर्टी या डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी सेम तरीके से सेट हो डॉट नेट नॉर्मल प्रॉपर्टी का बैकिंग स्टोर होगा जबकि डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी में ये रैपर यूज हो रहा होगा जो गेट वैल्यू सेट वैल्यू कॉल करेगा तो गेट वैल्यू सेट वैल्यू क्लियर वैल्यू और रजिस्टर डब्ल्यू पी एफ सेट से वैल्यू जो कि करेंट वैल्यू चेंज कर देते लेकिन उसका वैल्यू सोर्स नहीं चेंज करता यानी अगर हम ये सोच रहे हैं या डब्ल्यू पी एफ इंटरनल डिसाइड कर रही है कि ये वैल्यू इनहेरिटेंस से आ रही है प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेंस से तो उसका सोर्स यही रहेगा कि वो प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेंस से आ रही है बट टेम्परेली उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी इसमें प्रीवियसली हम ये करते थे कि लोकल वैल्यू से करते थे बट देर आर जो जिसमें डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड चीजें ब्रेक हो जाती थी इसकी जब एग्जाम्पल आएगी हम इसे डिस्कस करेंगे फॉर नाउ हमारे पास ये पांच मेथड्स हैं सेट वैल्यू गेट वैल्यू क्लियर वैल्यू सेट करेंट वैल्यू और इनिशियली रजिस्टर का मेथड उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो है अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज ही लेकिन ये अटैच्ड का वर्ड क्यों हम इसे अटैच प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की है थोड़ी देर पहले कि हमने विंडो पे फॉन्ट का एलिमेंट लगाया और उसके सारे चिल्ड्रन पे अप्लाई हो गया फाइन हमने विंडो जो लास्ट टाइम बनाई है उस विंडो में एक के अंदर कुछ लेबल्स हैं और फिर एक और के अंदर कुछ बटन्स हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं बटन का पेरेंट पैनल है पैनल का पेरेंट विंडो है अगर हम विंडो को चेंज करते हैं तो सारे लेबल्स और सारे बटन सब कुछ चेंज हो जाता है तो लॉजिकल आंसर है हम पैनल को चेंज कर दें लेकिन पैनल के अंदर कोई फॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी ही नहीं यानी पैनल के साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसमें कोई फॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में हम एक अटैच प्रॉपर्टी यूज करेंगे यानी पैनल के अंदर अगर एक नेट प्रॉपर्टी होती

लेकिन जिस एलिमेंट पे करना चाह रहे हैं उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में हमने स्टैक पैनल के अंदर टेक्स्ट एलिमेंट डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू थर्टी और टेक्स्ट एलिमेंट डॉट फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल टू इटैलिक लिखा है ये एक डिफरेंट सा सास है यानी अभी तक हम खाली फॉन्ट साइज इज इक्वल टू थर्टी या फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल टू इटैलिक करते आ रहे हैं जिससे स्टैक पैनल की प्रॉपर्टी सेट होती लेकिन स्टैक पैनल में ये प्रॉपर्टी है ही नहीं तो उसके बजाय टेक्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेट हो रही हैं और टेक्स्ट एलिमेंट क्या है टेक्स्ट एलिमेंट एक क्लास है जिसके अंदर ये अटैच प्रॉपर्टीज डिफाइंड हैं लेकिन वो प्रॉपर्टीज फिर इन बटन से कैसे एसोसिएट होती हैं तो टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर ये दो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो बटन तक कैसे पहुंच रही हैं वो बटन पे कैसे अप्लाई हो रही हैं हालांकि वो पैनल में तो नहीं है ये अटैच प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और ये सिर्फ़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि अगर हम प्रॉपर्टी वैल्यू इन्हेरीटेंस चाह रहे हैं किसी ऐसे पेरेंट से चाइल्ड में जिस पेरेंट में वो प्रॉपर्टीज़ हैं ही नहीं यानी हम एक पैनल बनाते हैं जिसमें फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हैं ही नहीं और हम ये चाहते हैं कि वो इन्हेरिट हो के अगेन ये यू आई एलिमेंट्स की इन्हेरीटेंस है यू आई चाइल्ड एलिमेंट पर अप्लाई हो तो उसके लिए हम अटैच प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ऐसी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी जो इन रियलिटी किसी और ऑब्जेक्ट लाइक टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर है और वो सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए यूज कर लें नेक्स्ट टाइम इसको और फर्दर डब्ल्यू के कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़